दसम वर्ग के छात्र छात्राओं को लेकर हुआ दीक्षांत समारोह, छात्रों को किया गया सम्मानित। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दर्शन नगर छपरा में वर्तमान कक्षा दसम के भाई बहनों की अगुवाई में पूर्व कक्षा दसम 21-22 का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का प्रारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य आशुतोष कुमार दास जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक महेश जी एवं विद्यालय सचिव सुधांशु शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस समारोह में पूर्व कक्षा दसम की छात्रा कंगना अग्रवाल, रिद्धि गोपाल, प्रियांशु कुमारी, श्रेया, छात्र सचिन, प्रियांशु राज, शुभम सिंह एवं अन्य भाई बहनों ने अपने अनुभव के दौरान कहा कि यह एक ऐसा विद्यालय है जहां पर संस्कार के साथ साथ पढ़ाई की व्यवस्था होती है। यह विद्यालय हमारे कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी पर्वतों की तरह अडिग होकर हमारी पढ़ाई को जारी रखा, जिससे हमारी पढ़ाई और संस्कार में कहीं कमी नहीं दिखी। इस परिस्थितियों में भी गुरु जी एवं दीदी जी ने अभिभावक की तरह हमारे उत्साह वर्धक करते रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कि समाज में वैसे नागरिक पैदा करें जो भारतीय संस्कारों को और इसकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखे आगे बढ़ाए। यह विद्या भारती का प्रथम दिन और चरित्र निर्माण इसका दूसरा। तो वैसे आज जो दसम वर्ग के हमारे भैया बहन यहाँ से इस विद्यालय से अग्रेतर शिक्षा के लिए आगे जा रहे हैं, उनको भविष्य में अपने व्यवहार, अपने चलने में, अपने बोलने में किन किन सावधानियों का वर्णन करना, इसके विषय में आज इनके विदाई समारोह में इनके गुरुजनों ने इन्हें पाथेय के रूप में जो दिया है उसी हेतु हमें 2021-22 के भैया बहन हैं जो दसम में पढ़ रहे थे, अब ये उत्प्रेषित भैया हमारे हैं, भैया बहन हैं, ये परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। नवम के जो बच्चे हैं उन लोगों के द्वारा ये व्यवस्था आयोजित की गई है और हम लोगों ने भैया बहनों को शुभकामनाएं दी है कि वो आगे आगे बढ़ें और निश्चित रूप से जीवन में सफलता पाएं, साथ ही साथ अपने विद्यालय के संस्कार को समाज में प्रदर्शित करें। उनके अंदर जो संस्कार दिए गए हैं वो संस्कार परिवार के साथ साथ समाज में भी दिखे, केवल पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं बिल्कुल बल्कि समाज के लिए भी पढ़ाई हमारी हो, ऐसी शिक्षा हम लोगों ने दी है। और मेरा आग्रह भी किया है, मैंने आग्रह किया है कि वो भैया बहन अपने समाज में अपना योगदान देंगे।